Hello kids, welcome on Future Point classes. Kids, today we will discuss about earthquake, tsunami, cyclone, hurricane or typhoon and floods and drought, which is related to chapter 8 natural calamities. Kids, in the previous video we already discussed about volcanic eruption in chapter 8. ओके तो चैप्टर 8 में हम वॉल्केनिक इरप्शन जो कि एक नेचुरल क्लाइमेटीज है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ना चिल्ड्रन. आज के आपके ये 4 टॉपिक्स हैं जिन्हें हम आज कवर करेंगे. ओके किड्स, सो किड्स आर यू रेडी? किड्स फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अर्थक्वेक्स. ओके किड्स, सबसे पहले हम अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे. इन हिंदी अर्थक्वेक मीन्स भूकंप. अर्थक्वेक मीन्स भूकंप. ओके हिंदी में हम अर्थक्वेक को क्या कहते हैं किड्स? भूकंप. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक है क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो किड्स, एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग एंड ट्रीमर टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अर्थक्वेक अचानक से आने वाले शेकिंग, शेकिंग मीन्स कंपन, और ट्रीमर, ट्रीमर मीन्स झटके हैं जो अर्थ की सरफेस पर, सरफेस मीन्स सतह पर आते हैं. ओके तो अर्थक्वेक क्या है? अचानक से जो जब झटके या झटकों की लहर या कंपन जब अर्थ की सरफेस पर पहुंचती है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक. सो किड्स हम अर्थक्वेक लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सडन शेकिंग और ट्रीमर. ठीक है, सडन शेकिंग और ट्रीमर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके सो यहां पर शेकिंग मीन्स क्या है? कंपन. एंड ट्रीमर मीन्स क्या है? झटके. ओके सडन आपको पता है जब अचानक से क्या आ रहे हैं, कंपन आ रहे हैं या फिर झटके आ रहे हैं. कहाँ पर? अर्थ की सतह पर, सरफेस पर. उसे हम क्या कहेंगे किड्स? अर्थक्वेक. ओके किड्स, नाउ किड्स इट इज कॉज्ड बाय सीवियर वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू द सॉलिड रॉक्स अंडरग्राउंड. ओके टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो अर्थक्वेक होने का कारण क्या है? सीवियर शॉक. सीवियर शॉक्स मतलब क्या है? कहीं ढेर सारे झटकों की लहरें जब अंडरग्राउंड के अंदर जो सॉलिड रॉक्स हैं उनकी वजह से अर्थ की सरफेस पे पहुंच रही हैं उसे हम, उसके कारण आपके क्या आ रहे हैं? अर्थक्वेक. ओके तो अर्थक्वेक होने का मेन रीजन क्या है? अर्थक्वेक होने का मेन रीजन क्या है? ग्राउंड के अंदर जो सॉलिड रॉक्स हैं, ठीक है, सॉलिड रॉक्स की वजह से जब अर्थ की सरफेस पे शेकिंग या ट्रीमर या झटके आ रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? अर्थक्वेक. ठीक है, नाउ किड्स इन द प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अर्थ की लेयर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, है ना? तो आई थिंक आपको याद भी होगा, बट दोबारा से हम इसको एक बार फिर से देखेंगे ताकि आपको अर्थक्वेक भी इजी तरीके से समझ में आए. ओके किड्स, तो किड्स हमारा जो अर्थ है, अर्थ 3 लेयर से मिलकर बना है. ठीक है, अर्थ को अगर हम देखें, दिस वन इज अर्थ जहाँ पर हम रह रहे हैं. ठीक है, हम मान लो यहाँ पर है. ठीक है, तो ये क्या है? ये जो सबसे पहली लेयर है इसको हम क्रस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं किड्स? क्रस्ट. ओके अभी आपको याद आ रहा है, देखो फर्स्ट लेयर क्या है? क्रस्ट. क्रस्ट के अंदर किड्स हमारी सेकंड लेयर जो है, जहां पर देखो जो शाइन किया हुआ एरिया है वो तो आपका क्या है? क्रस्ट. ठीक है, तो ये जो ब्राइटेस्ट पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये क्या है? क्रस्ट. और इसके अंदर जो सेकंड नंबर की लेयर है उसके अंदर कहेंगे मेंटल. क्या बोलेंगे किड्स? मेंटल. ठीक है, और मेंटल के अंदर भी आपका क्या पाया जाता है? कोर. ये जो कोर है ये कोर 2 टाइप्स की है. ठीक है, जो बाहर वाली कोर है इसको हम आउटर कोर कहेंगे,
आउटर कोर के अंदर वाली जो लेयर है उसको हम इनर कोर कहेंगे। ओके सो फर्स्ट लेयर कौन सी है? क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर आपकी मेंटल लेयर, मेंटल के बाद आपकी आउटर कोर और फिर इनर कोर। ओके किड्स, नाउ किड्स वहां पर हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, तो अर्थक्वेक का जो मेन रीजन है वो आपकी क्रस्ट वाली लेयर है, ठीक है। अब देखो जो हमारी जो क्रस्ट वाली लेयर है, ये लेयर एक सिंगल लेयर नहीं है, ठीक है, ये लेयर एक सिंगल लेयर नहीं है, ये लेयर्स कई सेक्शंस में क्या है, डिवाइडेड है, मतलब कई टुकड़ों में क्या है, विभाजित है, ठीक है। तो इन सेक्शंस को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है, इन सेक्शंस को हम क्या कहेंगे प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो अर्थक्वेक में हम टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी लेयर में पाई जाती है, कौन सी लेयर में पाई जा रही है, अर्थ की क्रस्ट वाली लेयर में। ओके किड्स, नाउ किड्स इसके बाद जो आपकी सेकंड लेयर है मेंटल, मेंटल का कुछ हिस्सा आपका मैग्मा से फिल रहता है, ठीक है। तो मैग्मा आपको पता है और मटीरियल जो अर्थ के ग्राउंड में है, ठीक है, जो ग्राउंड के अंदर है उसको हम क्या कहेंगे, मैग्मा। मैग्मा क्या है, और मटीरियल, ठीक है। और कोर वाला हिस्सा अगर हम आउटर कोर देखें तो आउटर कोर तो कंप्लीटली मैग्मा से फिल है, ठीक है। मेंटल का कुछ हिस्सा मैग्मा से कवर है, लेकिन आउटर कोर पूरा कंप्लीट तरीके से क्या है, मैग्मा से फिल है। उसके बाद इनर कोर, इनर कोर जो है वो आयरन का बना हुआ है। ओके तो ऐसा किसका कहना है, साइंटिस्ट का कहना है कि जो इनर कोर है वो ज़्यादातर किससे बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इस चीज को समझ लेते हैं कि क्रस्ट वाले हिस्से में कौन सी प्लेट्स हैं आपकी, टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है ना किड्स। देखो जो अर्थ की क्रस्ट है वो कई ढेर सारी प्लेट्स से मिलकर बनी है, ठीक है, मतलब कई ढेर सारे सेक्शन से मिलकर बनी है, और इन सेक्शंस को हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। अब इन प्लेट्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारा जो मेंटल है, ठीक है, मेंटल है ये किससे फिल्ड है, मैग्मा से। मेंटल किससे फिल्ड है, किससे भरा हुआ है, मैग्मा से भरा हुआ है। ओके सो किड्स द हीट प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ, ठीक है, अर्थ के अंदर हीट के, गर्मी के बहुत ज़्यादा पैदा होने से ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये क्या हो जाती हैं, मूव्स हो जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे पर ये क्या करने लगती हैं, एक दूसरे को रब करने लगती हैं, ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होने लगती हैं, ठीक है। तो इन टेक्टोनिक प्लेट्स के स्लाइड होने से आपके क्या आते हैं, अर्थक्वेक, ठीक है। देखो आप सिंपल समझो, क्रस्ट के अंदर ही क्या है, हमारी सॉलिड रॉक्स है ना। देखो अर्थ के अंदर क्या है, हमारी कई ढेर सारी रॉक्स हैं, ठीक है। तो ये जो रॉक्स हैं, ठीक है, ये रॉक्स भी अगर हम मेंटल तक पहुंचे, ये रॉक्स भी कैसे उसमें है, एकदम कैसी है, एकदम फ्लो होती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सॉलिड रॉक्स है, क्रस्ट वाले में तो आपको सॉलिड रॉक्स मिलेंगे, ठीक है, ये मेंटल में आपके कैसे रहेगा, वो जो सॉलिड रॉक्स है वो कैसी है, मेल्टेड है, ठीक है। वो रॉक्स कैसी हो गई है, यहाँ पर मेल्टेड हो चुकी है, पिघल चुकी है, ठीक है, मैग्मा की वजह से। और क्रस्ट वाले में क्या आपकी सॉलिड रॉक्स है, ठीक है। तो जो अर्थ के अंदर देखो क्या है, मैग्मा एकदम हॉट मटीरियल है, इसकी वजह से क्या हो रही है, गर्मी पैदा हो रही है ना। तो हीट के प्रोड्यूस होने से ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हो जाती हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाती हैं, ठीक है। और उनके स्लाइड होने की वजह से अर्थ की सरफेस पर, ठीक है, अर्थ की सरफेस ये जहाँ पर आप हो, ठीक है, तो इनके स्लाइड होने की वजह से अर्थ की सरफेस पर क्या आते हैं, झटके आते हैं, ट्रीमर उठते हैं, अचानक से शेकिंग होने लगता है, ठीक है, और उसी को हम क्या कह रहे हैं, अर्थक्वेक। ओके तो अर्थक्वेक आने का मेन रीजन क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराना या फिर रब होना। ओके तो हम किड्स ऐसा भी कह सकते हैं कि द कोलिशन ऑफ दीज प्लेट, ठीक है, इन प्लेट्स की कोलिशन की वजह से, कोलिशन मतलब टकराने की वजह से क्या हो रही है, गिव राइज टू वेव्स, क्या पैदा हो रही है, वेव्स पैदा हो रही है, ठीक है। वेव्स क्या है, लहरें, ठीक है, झटकों की लहरें पैदा हो रही हैं, किसकी वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिशन की वजह से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं चिल्ड्रन साइज़मिक वेव्स, क्या कहते हैं इसे, हाँ, साइज़मिक वेव्स, जो कहाँ पर पहुंच रही है, अर्थ की सरफेस पर, ठीक है। अभी हम दोबारा से इसको देखेंगे, देखो, ठीक है, ये आपका क्या है, क्रस्ट वाला हिस्सा है,
ठीक है, हीट की वजह से, अर्थ के अंदर हीट की वजह से क्या हो रहा है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, क्रस्ट में क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हो रही है, हीट की वजह से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाती है, ठीक है, और स्लाइड होने की वजह से क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आपका वेव्स पैदा हो रही है, और वेव्स कहाँ पर पहुंच रही है, अर्थ की सरफेस पे, जहाँ पर आप हो, ठीक है, तो इन वेव्स को, जो अर्थ की सरफेस पे वेव्स पहुंच रही है, इन वेव्स को हम साइजमिक वेव्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, साइजमिक वेव्स, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, साइजमिक वेव, सेम भूकंप की जो लहरें हैं, ठीक है, भूकंप की लहरें क्यों हो रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स के स्लाइड होने की वजह से या फिर रब होने की वजह से, ओके, और ये साइजमिक वेव्स कहाँ पहुंच रही है, अर्थ की सरफेस पर, ओके किड्स, नाउ किड्स, द अंडरग्राउंड पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक बिगिंस इज नोन एज हाइपोसेंटर एंड फोकस, ठीक है, फिर से आप देखो समझो कि अर्थक्वेक, ठीक है, ग्राउंड के अंदर अर्थक्वेक कहाँ से शुरू हो रहा है, ग्राउंड के अंदर, है ना, जमीन के अंदर से शुरू हो रहा है, तो जिस पॉइंट से अर्थक्वेक शुरू हो रहा है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस या फिर हाइपोसेंटर, ओके, मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से अर्थक्वेक शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स रब हो रही है एक दूसरे पर, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस या फिर हाइपोसेंटर, ओके किड्स, तो किड्स ये पूछा भी जाता है कि अर्थक्वेक जहाँ से शुरू होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो आपको बिल्कुल आपके मुंह पे आंसर होना चाहिए, क्या कहते हैं, फोकस या फिर हाइपोसेंटर, ओके किड्स, नाउ किड्स, इसकी वजह से, ठीक है, जहाँ पर अर्थक्वेक पहुँच रहा है अर्थ की सरफेस पर, जो करस्पॉन्डिंग स्पॉट है अर्थ की सरफेस पर, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एपिसेंटर, क्या कहेंगे किड्स, एपी सेंटर, ठीक है, तो देखो यहाँ से तो अर्थ ग्राउंड के अंदर अर्थक्वेक शुरू हो रहा है, उसे तो हम फोकस और हाइपोसेंटर कहेंगे, इसकी वजह से जो लहरें, जो झटके अर्थ की सरफेस पर पहुंच रहे हैं, मान लो झटके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एपी सेंटर, ये क्या हुआ चिल्ड्रन, एपी सेंटर, ठीक है, तो मैं सिंपल आपको देखो एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, मान लो यहाँ से क्या, ये क्या है फोकस और हाइपोसेंटर, इसकी वजह से मान लो दिल्ली में क्या आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, तो दिल्ली क्या हो गया इसका एपिसेंटर, ठीक है, इसका देखो जहाँ से शुरू हो रहा है फोकस और हाइपोसेंटर, उसकी वजह से, ठीक है, जो भी हमें रिजल्ट अर्थ की सरफेस पर मिल रहा है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर, ओके किड्स, क्लियर, फिर से मैं रिमाइंड करवा देती हूँ, अर्थक्वेक क्या है, सडन सिंकिंग और ट्रीमर, कहाँ पर, अर्थ की सरफेस पर, क्यों आते हैं अर्थक्वेक, क्यों आ रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के स्लाइड होने की वजह से, ये टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड क्यों हो रही है, अर्थ के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हो जाती है, स्लाइड हो जाती है या फिर रब हो जाती है या फिर कोलेशन हो जाता है, ठीक है, टकरा जाती है, ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट वेज से ना इसे कह सकते हो, ठीक है, अब अर्थक्वेक जहां से शुरू हो रहा है एंड ग्राउंड के अंदर, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस या फिर हाइपोसेंटर, ठीक है, अब फोकस और हाइपोसेंटर का जो भी परिणाम निकल रहा है, जो भी फल अर्थ की सरफेस पर पहुंच रहा है, फल क्या पहुंच रहा है सरफेस पर, झटके, लहरें, है ना, वेव्स पहुंच रही हैं, ट्रीमर पहुंच रहे हैं, तो उस पॉइंट को जहां पर ये ट्रीमर पहुंच रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर, ओके, नाउ किड्स, इससे आगे का अब मैं आपको बता रही हूँ, देखो अर्थक्वेक जो है, ठीक है, अकर विदाउट एनी वार्निंग, जो अर्थक्वेक है वो बिना किसी वार्निंग के, वार्निंग मीन्स चेतावनी के आती है, ठीक है, सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट देम, हम इनकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, ये बिना चेतावनी के आते हैं, हम इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी भी ये आ सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, तो इसका कोई अभी तक हमने ऐसा साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं निकाला है कि इसको हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकें, इसकी भविष्यवाणी कर सकें कि अभी भूकंप आएगा या आ सकता है, ठीक है, तो अभी तक इसका कोई साइंटिस्ट के थ्रू अभी तक इसका कोई निकाला नहीं गया है कि हम इसको प्रेडिक्ट कर सकें, इसकी भविष्यवाणी कर सकें, ओके,
नाउ किड्स द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज साइज़मोलॉजी. ठीक है, अर्थक्वेक की जो स्टडी है, ठीक है, स्टडी मीन्स अध्ययन. ठीक है, अर्थक्वेक की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइज़मोलॉजी. क्या कहते हैं किड्स? साइज़मोलॉजी. देखो आपको मैं जो जो पॉइंट्स बता रही हूँ आपको एकदम माइंड में रखने हैं. ठीक है, अभी तक मैंने आपको जितनी चीजें बताई यहाँ तक आपको समझ में आया? आई थिंक आया होगा. ठीक है, नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो आप वो करके देखो. ठीक है, अभी देखो अर्थक्वेक की जो स्टडी है, जो लोग अर्थक्वेक के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइज़मोलॉजी. ठीक है, और जो लोग इसको पढ़ रहे हैं उसको हम साइज़मोलॉजिस्ट बोलते हैं. ठीक है, जो लोग इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं उनको हम साइज़मोलॉजिस्ट कहते हैं और इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइज़मोलॉजी. ओके किड्स, नाउ किड्स द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स एन अर्थक्वेक इज नोन एज साइज़मोग्राफ. ठीक है, देखो यहाँ पर लिख देती हूँ आपको. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट का, इंस्ट्रूमेंट क्या है? उपकरण विच इज यूज टू रिकॉर्ड, यूज टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक. ठीक है, जो कि अर्थक्वेक को रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है, जो भी जिस भी उपकरण से हम अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं किड्स? साइज़मोग्राफ. क्या बोलते हैं? साइज़मोग्राफ. ठीक है किड्स, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है स्टडी. अर्थक्वेक की स्टडी को हम क्या कह रहे थे? साइज़मोलॉजी. ओके, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम अर्थक्वेक को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? साइज़मोग्राफ. ठीक है, अब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को जिससे हम मेजर कर रहे हैं. ठीक है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता, कि जो अर्थक्वेक है भूकंप वो कितनी तेजी से आया है. ठीक है, उसको हम जिससे मेजर कर रहे हैं, जिससे माप रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? रिएक्टर स्केल. ठीक है, तो रिएक्टर स्केल के थ्रू हम क्या करते हैं? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर बाय, इसके थ्रू मेजर कर रहे हैं हम रिएक्टर स्केल. ठीक है, रिएक्टर. ठीक है, तो इसमें देखो इन दोनों चीजों में आप कंफ्यूज मत होना. ठीक है, यहां पर तो हम क्या कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के लिए. ठीक है, उसको तो हम क्या कहेंगे? साइज़मोग्राफ. ठीक है, और जिससे हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी पता कर रहे हैं, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, कि भूकंप कितनी तेजी से आया है. ठीक है, उसे हम किससे पता करेंगे? किससे मापेंगे? रिएक्टर स्केल से. ठीक है, किससे मापेंगे किड्स? रिएक्टर स्केल से. ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए. ठीक है, हम इंटेंसिटी अर्थक्वेक की किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल से. ठीक है, अब किड्स ये जो रिएक्टर स्केल है इसके भी, ठीक है, अगर हम देखें तो रिएक्टर स्केल्स के भी 8 लेवल्स हैं. कितने लेवल्स हैं? 8 लेवल्स. अगर भूकंप का इंटेंसिटी अगर 1 पे आ रही है, ठीक है, अगर 1 लेवल पे है, इट मीन्स कि जो अर्थक्वेक है वो बहुत ही नाममात्र है. ठीक है, एकदम हम बोल सकते हैं बेयरली. ठीक है, बेयरली मतलब बेयरली फेल्ट होगा हमको. ठीक है, बहुत मतलब हमें पता भी चलेगा कि भूकंप आया था. ठीक है, लेकिन जब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अगर क्या है? 8 है, मान लो 8 पर है. ठीक है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी या तीव्रता, तो इसका मतलब क्या है कि अर्थक्वेक क्या है? बहुत ही ज़्यादा मासिव है. ठीक है, मासिव मतलब बहुत ही विशाल है और उसका उसका परिणाम क्या है? डिवेस्टेटिंग, एकदम विनाश. ठीक है, तो 8 लेवल क्या इंडिकेट कर रहा है? 8 लेवल ये इंडिकेट कर रहा है कि जो अर्थक्वेक है वो बहुत बड़ा है और उससे लाइफ और प्रॉपर्टी को क्या है? बहुत बड़ा नुकसान है. ठीक है, तो ये जो रिएक्टर स्केल्स हैं इसमें कितने लेवल हैं? 8 लेवल. ठीक है, लेकिन आजकल देखो अलग अलग तरीके से हम रिएक्टर स्केल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, जो आपकी पुरानी बुक्स हैं वहाँ पर आपको 8 लेवल्स तक दिया है. ठीक है, लेकिन आपको कहीं कहीं पर आपको 9 भी दिया होगा. ठीक है, और भी तरीके से
हम क्या करते हैं रिएक्टर स्केल के थ्रू, रिएक्टर स्केल में भी क्या है कई देर सारे आजकल टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या हो चुके हैं चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है तो आप देख सकते हो उन्हें, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि मतलब जो भी स्केल का जो भी लेवल है, ठीक है अभी तो 8 लेवल तक मैंने आपको बताया, ठीक है। तो लेवल्स के हिसाब से आप समझ जाओ कि अगर कम लेवल है क्वींस की अर्थक्वैक क्या है बहुत कम है, और लेवल अगर हाई है ज़्यादा है इसका मतलब क्या है अर्थक्वैक बहुत ज़्यादा बड़ा है मासिव एकदम से, ठीक है। उसका परिणाम क्या है एकदम हम कह सकते हैं डिसएट्रस, ठीक है एकदम विनाश, ठीक है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। ओके किड्स, नाउ किड्स जो मेजर अर्थक्वैक है, ठीक है अगर हम बहुत बड़ा अर्थक्वैक देखें तो वो बहुत ज़्यादा क्या है डिस्ट्रक्टिव है, कैसा है वो डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव मतलब एक तरह से हानिकारक है, क्यों हानिकारक है बिकॉज दे कॉज ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि इससे लाइफ को जीवन को और संपत्ति को क्या है बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। तो मेजर अर्थक्वैक बहुत ही ज़्यादा क्या है विनाशकारी है, हमारे लिए कैसा है हानिकारक है, ठीक है। तो ये जो अर्थक्वैक है इसकी वजह से कभी कभी क्या हो जाता है लैंडस्लाइड भी हो जाती है और फायर भी हो जाती है, ठीक है आग भी लग जाती है, किसकी वजह से अर्थक्वैक की वजह से, ठीक है। तो इतना ज़्यादा देखो अर्थक्वैक की वजह से क्या हो रहा है सरफेस पूरी हिल रही है बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, है ना, उसकी वजह से क्या होती है क्या हो जाती है आग भी लग जाती है ना, लैंडस्लाइड हो जाती है, पहाड़ गिर जाते हैं, माउंटेन्स गिर जाते हैं, है ना, किसकी वजह से अर्थक्वैक की वजह से, ठीक है। तो अगर देखो चिल्ड्रन इसका देखो आपने सुना भी होगा 26 जनवरी 2001 में, ठीक है 26 जनवरी ये आपको पता होना चाहिए 2001, ठीक है। तो 26 जनवरी 2001 में, ठीक है आपका भुज गुजरात में सबसे बड़ा अर्थक्वैक आया था, ठीक है ये आपको जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा अर्थक्वैक 26 जनवरी 2001 में कहाँ पर आया था गुजरात में, कौन सी जगह पर भुज वाली जगह पर, ठीक है। तो किड्स इसकी वजह से करीबन 20,000 लोगों की जानें चली गई थी, ठीक है किसकी वजह से अर्थक्वैक की वजह से, इतना मतलब इतना इंटेंसिटी का अर्थक्वैक आया था कि इसकी वजह से 20,000 लोग मर गए थे, और साथ ही 8 लाख जो हाउसेस हैं 8 लाख जो हाउसेस हैं घर हैं वो क्या हो गए थे डिस्ट्रॉय हो गए थे, ठीक है। तो ये देख समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका जो कारण है, ठीक है ये जो भूकंप है कहाँ आपको पता है कहाँ आया था भूकंप 26 जनवरी 2001 में, अंडर सी, ठीक है मतलब समुद्र के अंदर आया था अर्थक्वैक, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि अर्थक्वैक सिर्फ लैंड पर ही आते हैं, अर्थक्वैक समुद्र के अंदर भी आते हैं, ठीक है। आपका जो क्रस्ट वाला पार्ट है अर्थ की जो लेयर है सबसे नंबर वन कौन सी है क्रस्ट, है ना, और जो क्रस्ट है उसका ज़्यादातर हिस्सा अगर हम देखें वो किससे गिरा हुआ है वाटर से, है ना, और सेकंड नंबर पे क्या है आपका लैंड। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो अर्थक्वैक है वो सिर्फ लैंड पर ही आते हैं, अर्थक्वैक पानी के अंदर भी आते हैं, ठीक है मतलब समुद्र में जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर भी क्या आते हैं अर्थक्वैक आते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये जो अर्थक्वैक है किसकी वजह से हुआ था अंडर द सी, ठीक है समुद्र के अंदर जो अर्थक्वैक आया था उसकी वजह से इतनी लोगों की जानें चली गई थी। ओके किड्स, तो किड्स आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद देखो इसके लिए जो प्रिकॉशनरी है, प्रिकॉशनरी मतलब हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है किसके लिए अर्थक्वैक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ When an earthquake is felt, जैसे आपको अर्थक्वैक का भूकंप का एहसास होता है we should come out open house, ठीक है या open या फिर हमें क्या करना है स्कूल बिल्डिंग से या फिर जो ओपन जो घर हैं उनसे तुरंत क्या करना है ओपन एरिया में आ जाना है, ठीक है। जैसे आपको भूकंप का एहसास होता है हमें क्या करना है तुरंत खुली हुई जगह में आना है, ठीक है कहाँ पर आना है खुली हुई एरिया पर, ठीक है। इसके अलावा किड्स अवॉइड स्टैंडिंग नियर टॉल बिल्डिंग्स ट्रीज पोल्स एंड इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है हमें जो टॉल बिल्डिंग्स हैं जो ऊंची इमारतें हैं पोल्स हैं खंभे हैं, ठीक है इसके अलावा पेड़ हैं बड़े बड़े, ठीक है और जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं बिजली की तारें हैं हमें वहाँ पर खड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, क्या पता अर्थक्वैक की वजह से ट्री गिर जाए या पोल गिर जाए, है ना।
तो आपने क्या करना है, वहाँ पर खड़ा नहीं होना है, एकदम ओपन एरिया आपने देखना है अपने आसपास, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके ना किड्स, इफ अनेबल टू मूव आउट, अगर आप मूव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा देखो आप इतनी टॉल टॉल बिल्डिंग्स हैं, है ना, अगर आप फोर्थ फ्लोर पे हो, फिफ्थ फ्लोर पे, आप एकदम से भूकंप आ रहा है, मूव नहीं कर पा रहे हो, ओपन एरिया पे नहीं पहुंच पा रहे हो, सो चिल्ड्रन वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमें अपने आप को फॉलिंग ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट गिर सकते हैं, जो चीज़ें गिर सकती हैं, उनसे खुद को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, हम शेल्टर ले सकते हैं, कहाँ, अंडर द टेबल, ठीक है, टेबल के नीचे हम क्या कर सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को हम मजबूती से पकड़ कर रह सकते हैं, ठीक है, ये कौन सी सिचुएशन, जब आप मूव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और उसके साथ साथ ही किड्स, इवन आफ्टर एन अर्थक्वैक स्टॉप, जैसे ही अर्थक्वैक स्टॉप हो जाता है, वी शुड नॉट एंटर एनी हाउस और बिल्डिंग्स, ठीक है, हमें किसी भी बिल्डिंग और हाउस में क्या नहीं करना है, एंटर नहीं करना है, आपका अर्थक्वैक रुक गया है, भूकंप रुक गया है, आप तुरंत हमें क्या नहीं करना है, घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना है, क्यों क्यों नहीं जाना है, कि हो सकता है कि वो क्या हो जाए, वो बिल्डिंग्स और हाउस क्या हो जाए, अचानक से कोलैप्स हो जाए, ठीक है, ढह जाए या गिर जाए, ठीक है, क्यों, क्योंकि भूकंप का इतना तेज का अगर भूकंप है तो क्या है, जो हाउस है उनकी जो रूट्स हैं वो भी क्या है, एकदम हिली हुई है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो बिल्डिंग्स क्या हो जाए, गिर जाए, तो आपको तुरंत उनमें एंटर नहीं करना है। ओके किड्स, सो किड्स आई होप आपको अर्थक्वैक समझ में आया होगा, इसके बाद हम सेकंड नंबर पे अब हम पढ़ेंगे सुनामी, ठीक है, तो अर्थक्वैक आप समझ सकते हो, आपको अर्थ की लेयर अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है, तो सेकंड हम पढ़ेंगे सुनामी। सुनामी जो वर्ड है, ठीक है, सुनामी एक जापानीज वर्ड है, कैसा वर्ड है, ये पूछा भी जाता है सुनामी कैसा वर्ड है, छोटे छोटे क्वेश्चन जब आते हैं ना मल्टीपल चॉइस, तो आपको बताना चाहिए, ठीक है, तो सुनामी क्या है, एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब क्या है, हार्बर वेव्स, इसका मतलब क्या है किड्स, हार्बर वेव्स, ठीक है, हार्बर वेव्स मतलब क्या है, हम ये भी कह सकते हैं सुनामी की जो लहरें हैं, ठीक है, और अगर हम पर्टिकुलर देखें तो हार्बर मतलब क्या होता है, बंदरगाह, हार्बर मीन्स क्या होता है, बंदरगाह, ठीक है, और बंदरगाह क्या होते हैं, जहाँ से शिप मूव करते हैं, है ना, तो वहाँ पर जो लहरें आ रही हैं, बंदरगाह पर जो लहरें आ रही हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, सुनामी, या सुनामी की लहरें जो है उसी को हम क्या कह रहे हैं, सुनामी, कैसा वर्ड है, जापानीज वर्ड, ठीक है, अब मल्टीपल चॉइस में आया है कि सुनामी कैसा वर्ड है, जापानीज, चाइनीज, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड है सुनामी, जापानीज वर्ड, ठीक है, तो अब ये आता क्यों है, देखो किसकी वजह से आता है, जो सुनामी है वो आपका अंडरसी अर्थक्वैक, ठीक है, समुद्र के अंदर जो अर्थक्वैक है, वॉल्केनिक इरप्शन है, लैंडस्लाइड है, या फिर लैंडस्केप है, इनकी वजह से क्या आते हैं आपके सुनामी, ठीक है, इनकी वजह से क्या आते हैं किड्स, सुनामी, तो मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ, इतना आपको समझ में आया, ठीक है, सुनामी का मतलब क्या है, हार्बर वेव्स, ठीक है, जब लहरें बंदरगाह तक पहुँच रही हैं, जहाँ से शिप शुरू हो रहा है वहाँ तक बड़ी बड़ी लहरें पहुँच रही हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, सुनामी, और ये क्यों आते हैं, अंडर सी अर्थक्वैक, ठीक है, उसके अलावा आपका वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन आपको पता है ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, इसके अलावा लैंडस्लाइड या फिर लैंडस्केप ना बोल सकते हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से क्या आते हैं किड्स आपके, सुनामी, ठीक है, लैंडस्लिप्स, ठीक है, तो ये तो रीजन है, ठीक है, ये मैं सोच रहा कि वॉल्केनिक इरप्शन सिर्फ लैंड पर ही आते हैं, मैंने आपको बताया था ना अर्थक्वैक, वॉल्केनिक इरप्शन, ये समुद्र के अंदर भी आते हैं, आपके ओशियंस हैं, सीज हैं, उनके अंदर भी क्या है, कई ढेर सारी चट्टाने हैं, वो चट्टाने कैसे बन रही हैं, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, ठीक है, सुनामी क्यों आ रही है, अर्थक्वैक, वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, इनकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी वजह से, इनकी वजह से जो वाटर है, ठीक है, वाटर क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, अभी सुनामी मोस्टली अगर हम देखें तो सीज और ओशन में आ रही
है ना, तो सुनामी की वजह से मतलब अर्थक्वेक जब भूकंप आ रहे हैं सी के अंदर, या वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, या फिर लैंडस्लाइड या लैंड स्लिप्स हो रही है, तो इसकी वजह से वाटर क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, दिख रहा है आपको किड्स, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, ये तो कारण है, मैंने अभी नहीं पता। ठीक है, और इसकी वजह से हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, पानी का खिसकना। ठीक है, कहाँ से, नॉर्मल पोजीशन पे है पानी, अर्थक्वेक अचानक से समुद्र के अंदर आ रहा है, तो क्या होगा, जो पानी है वो क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, है ना। तो पानी का एक जगह से दूसरी जगह खिसकना या मूव होने को हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब पानी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तब उसकी वजह से क्या उठेंगी आपकी लहरें, क्या उठेंगी किड्स, वेव्स उठेंगी। ठीक है, और ये वेव्स कहाँ पर उठेंगी, कहाँ पर उठेंगी वेव्स, कहाँ तक पहुंचेंगे, कोस्ट लाइन तक, क्या आ जाएंगी, वेव्स। ठीक है, जब पानी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसकी वजह से आपकी क्या उठेंगी लहरें। ठीक है, बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी, और जब ये लहरें कोस्ट लाइन से क्या होती हैं, हिट करती हैं। ठीक है, कोस्ट लाइन मतलब जो हमारा समुद्र का किनारा है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, समुद्र का किनारा या फिर टर्मिनल पुल। ठीक है, तो जब ये वेव्स समुद्र के किनारों से टकराती है, ठीक है, तब आपके क्या आती है, सुनामी। ठीक है, किनारों से टकराएंगी तो जो भी वहाँ पर लोग हैं, है ना, पीपल्स हैं, हाउस हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे, और उसी को हम क्या कह रहे हैं, सुनामी। ठीक है, तो सुनामी का होने का कारण क्या है, सुनामी अकर्स व्हेन जाइजेंटिक वेव्स ऑफ द सुनामी हिट द कोस्ट। ठीक है, सुनामी का होने का कारण क्या है, विशाल लहरें। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, जाइजेंटिक वेव्स, जाइजेंटिक वेव्स। ठीक है, जब विशाल लहरें, ठीक है, पानी की विशाल लहरें जब समुद्र के किनारों से टकराएंगे, इस तरह से बड़ी बड़ी लहरें क्या करती हैं, समुद्र के किनारों से टकराती हैं, उसे उसी की वजह से क्या आते हैं आपके, सुनामी। ओके किड्स, नाउ किड्स, ये जो सुनामी है, इसकी जो, इसे अगर हम देखें तो इट इज हाई, इसकी जो हाई, ये इसकी जो ऊंचाई है वो करीबन 10 to 30 meters तक रहती है। ठीक है, कितने मीटर्स तक रहती है, कितनी ऊंचाई तक होती है लहरें, 10 to 30 meters तक। ओके, और ये बहुत ही ग्रेट स्पीड से क्या करती है, ट्रेवल करती है, बहुत ही तेजी से ये गुजरती है, यहाँ तक कि इतनी तेजी से गुजरती हैं कि कभी कभी ये ओशन के भी मतलब जो बड़े बड़े महासागर हैं उनके भी 1000 miles तक ये क्या हो सकती हैं, दूर जा सकती हैं। ठीक है, 1000 miles तक ये क्या कर सकती हैं, इतनी दूर तक ये लहरें जा सकती हैं। सोच सकते हो आप कितना जो सुनामी हो कि अगर बहुत ज़्यादा अगर अर्थक्वेक है तो ये कितना बड़ा विनाश का रूप बन सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसका जो इम्पैक्ट है, अगर हम सुनामी का इम्पैक्ट देखें, प्रभाव देखें, तो वो क्या है, एकदम क्या है, डिवेस्टेटिंग, है ना, विनाशकारी। ठीक है, सोचो आप कि ओशन से 1000 miles तक दूर जा रही है, 1000 miles आप समझ सकते हो 1 mile में क्या होते हैं, 1.069 kilometers होते हैं, है ना, 1 mile में। तो जब 1000 miles की बात कर रहे हैं तो सोचो कितने ढेर सारा किलोमीटर है, कितने किलोमीटर दूर तक सुनामी की लहरें जा सकती हैं ओशन के। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, डिवेस्टेटिंग। ठीक है, डिवेस्टेटिंग का मतलब क्या है, विनाश, या विनाशकारी भी हम कह सकते हैं। ओके किड्स, नाउ किड्स, इसके लिए हम प्रिकॉशनरी कौन कौन से कर सकते हैं, देखो कौन कौन सी सावधानियां हम सुनामी के लिए बरत सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना है। ठीक है, कहाँ पर, किसके लिए, सुनामी के लिए, कहाँ पर, सूटेबल प्लेस ऑन द सी फ्लोर। ठीक है, जो समुद्र तल है या बोल सकते हैं समुद्र का जहाँ पर किनारा है, उन जगहों पर, ठीक है, उन जगहों पर हमें पहले से ही
अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना है, ठीक है। वार्निंग मतलब क्या है, चेतावनी, ठीक है, बोल सकते हैं पूर्व चेतावनी जो प्रणाली है वो हमें समुद्र तट पर क्या करनी है, स्थापित करनी है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सुनामी से बचने के लिए हम मैंग्रोव ट्रीज को या फॉरेस्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें समुद्र के किनारों पर क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, ठीक है। किसे डेवलप करना चाहिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट को। मैंग्रोव आपको पता है, मैंग्रोव को हम क्या कहते हैं, सदाबहार, एकदम आपने देखा होगा मैंग्रोव ट्री ऐसे इस तरह का होता है ना, उसकी जो ब्रांचेस हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बटरस फूल, एकदम फैली हुई रहती है, ठीक है, इस तरह की, ठीक है, इस तरह से रहती है। तो ये न्यूट्रिशन लेने के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने के लिए और ब्रीथिंग करने के लिए रहती है, ठीक है। वो इस तरह की एक सिंगल स्टेम होती है और स्टेम से नीचे की तरफ बहुत ढेर सारी रूट्स मतलब ग्राउंड से ऊपर वो करती है, ठीक है, ग्रो करती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो मैंग्रोव है ये वाटर वाली एरिया पे मतलब समुद्र पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से एयर नहीं मिल पाती है, एयर ना मिलने की वजह से ये क्या करती है, ब्रीथिंग करने के लिए थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर ग्रो करती है, और साथ ही इसको हम बटरस रूट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रूट्स हैं मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है इनको क्यों बनाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो मैंग्रोव ट्रीज हैं ये सुनामी की जो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, उनको रोकने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव ट्रीज को डेवलप करना है, और इसके साथ ही साथ हमें प्रॉपर पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी को भी डेवलप करना है, ताकि हम जो कोस्ट लाइन में या समुद्र के किनारे में रहने वाले जो लोग हैं, पीपल्स हैं, उनको हम क्या कर सकें, अलर्ट कर सकें, ठीक है। तो पहले से ही हमें सार्वजनिक एक प्रणाली बनानी है, ठीक है, एक उचित सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली बनानी है, जिससे कि हम पहले से ही लोगों को अलर्ट कर सकें कि आपका क्या है, एकदम सुनामी है, आप लोग, हम क्या कर सकें, लोगों को सेफ प्लेस तक एकदम मूव कर सकें, ठीक है। जैसे ही पता चल रहा है कि सुनामी आ रही है, एकदम लोगों को उसके बारे में पहले से ही जो समुद्र के किनारे में जो लोग रह रहे हैं उनको अवेयर कर सकें, ठीक है। तो हमें प्रॉपर पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम बनाना है। उसके अलावा किड्स, आपके जो समुद्र में जो वॉल्स हैं, ठीक है, आपके किनारों पर, समुद्र के किनारों पर जो दीवारें हैं, ठीक है, वो कैसे बनानी चाहिए, एकदम बोल सकते हैं रेनफॉर्स्ड, मतलब बहुत ही मजबूत कंक्रीट से, सीमेंट से हमें उन्हें डेवलप करना चाहिए, ताकि वो जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो क्या कर सकें, सुनामी की जो लहरें हैं उनको रोक सकें, ठीक है। तो हमें क्या करने हैं, सुनामी से ये कुछ प्रिकॉशनरी हैं, ठीक है, ये कुछ सावधानी हैं जिनसे हम थोड़ा सा इसके मतलब सुनामी के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, ठीक है, और बच भी सकते हैं इससे। नाउ चिल्ड्रन, थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट साइक्लोन, हरिकेन एंड टाइफून, ठीक है। अभी हम साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोन, वन सेकेंड, हरिकेन एंड टाइफून, ओके। तो साइक्लोन, हरिकेन एंड टाइफून, देखो साइक्लोन को हम क्या कहते हैं हिंदी में, चक्रवात, ठीक है, साइक्लोन क्या कहते हैं, इट्स चक्रवात। हरिकेन और टाइफून मीन्स तूफान या फिर आंधी, ठीक है, वही चीज़ है, सेम ही चीज़ है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी तो आप समझ जाओगे। तीनों हैं तो एक ही चीज़, लेकिन अलग अलग नामों से इन्हें पुकारा जाता है अलग अलग जगहों पर, ठीक है। और पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखो साइक्लोन के बारे में पहले हम समझते हैं, साइक्लोन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, किड्स, चक्रवात, क्या कहते हैं, चक्रवात, ठीक है। सो साइक्लोन है क्या किड्स, देखो जब स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल विंड्स बहुत ही ग्रेट स्पीड से ट्रैवल करती है, ठीक है, किस मोशन में, एकदम स्पिनिंग मोशन में, उसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोन, ठीक है। तो साइक्लोन क्या है, जब बहुत ही, तो मैं आपको पहले लिख देती हूँ फिर आप समझाऊंगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल विंड्स ट्रेवल एट अ ग्रेट स्पीड
मैंने आपको बताया था स्पिनिंग मोशन में, ठीक है। हम कर सकते हैं विद स्पिनिंग मोशन, ठीक है। अब मैं आपको देखो वर्ड बाय वर्ड हर एक चीज का मीनिंग समझाऊंगी, आप थोड़ा सा आपका ध्यान से देखना। स्ट्रॉन्ग मींस मजबूत, ठीक है। ट्रॉपिकल विंड्स, ट्रॉपिकल विंड्स को हम हिंदी में उष्णकटिबंधीय हवा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे हम? स्ट्रॉन्ग, ये ट्रॉपिकल विंड्स को उष्ण कटिबंधी हवा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके क्या आते हैं? साइक्लोन। अभी उष्ण कटिबंधी हवा क्या है? एक तरह से आप समझ लो हॉट विंड्स, ठीक है। जो गर्म हवाएं हैं उनको हम ट्रॉपिकल विंड्स कहते हैं। जब ये ट्रॉपिकल विंड्स एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये बहुत ही क्या करती हैं, ठीक है, ये आपके क्या आते हैं? साइक्लोन आते हैं, ठीक है। तो जब इन मजबूत हवाओं की वजह से हवाएं जब बहुत ही ग्रेट स्पीड से, बहुत ही तेजी से चलती हैं, किस गति में? स्पिनिंग में। स्पिनिंग मतलब होता है घुमाव, ठीक है, घुमाव में एकदम चलती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? साइक्लोन, ठीक है। तो आपको देखो घुमाव के लिए एक दूसरा वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं कि जब हवाएं, ठीक है, एकदम भंवर के जैसा बना करके चलती हैं बहुत ही तेजी से, तब हम उसे क्या कहेंगे? साइक्लोन, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ठीक है, वातावरणीय जो दबाव है उसकी वजह से क्या आ रहे हैं आपके? साइक्लोन, ठीक है। और उसका रीजन क्या है ये आपको बिल्कुल माइंड में रखना है। स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल विंड्स, ठीक है, जब बहुत ही तेज स्पीड से एकदम भंवर वाली पोजिशन में या फिर घुमाव वाली गति से आती है, उसको हम क्या कहेंगे? साइक्लोन, ओके, ठीक है। इसे ही हम देखो, इसी चीज को हम साइक्लोन भी कहते हैं, इसे ही हम हरिकेन भी बोलते हैं, इसे ही हम टाइफून भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? ये जो मैंने आपको बताया ना, स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल विंड जो ग्रेट स्पीड से चल रही है स्पिनिंग मोशन में, उसे हम क्या कह रहे हैं? साइक्लोन। उसी को हम क्या कह रहे हैं? हरिकेन। उसी को हम टाइफून कह रहे हैं, ओके। तो किड्स, सिर्फ डिफरेंस कितना है देखो, साइक्लोन हरिकेन और टाइफून में डिफरेंस क्या है? बस इतना सा डिफरेंस है कि ये जो हवाएं हैं, ये जो ट्रॉपिकल विंड्स हैं, ये किस जगह पर आ रही हैं और कितनी तेजी से आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर आपका साइक्लोन देखें, ठीक है, साइक्लोन की बात करें, हरिकेन की बात करें, टाइफून, तीनों क्या है? विंड का, विंड की वजह से हो रहा है, ठीक है, ये एक ही चीज है विंड। लेकिन इनका जो रेंज है, ठीक है, विंड जो रेंज है वो क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। अगर विंड रेंज साइक्लोन की अगर हम बात करें तो साइक्लोन का जो विंड रेंज है, ठीक है, वो 39 to 73 mph है। किसका? साइक्लोन का। कितना है? 39 to 73 mph। क्या है? माइल्स पर आवर, ठीक है। तो इतने माइल्स पर आवर, पर आवर मतलब क्या है? प्रति घंटा, ठीक है। माइल्स आपको पता है, एक माइल्स मैंने आपको बताया था 1.609 क्या है? किलोमीटर है, ठीक है। तो इतना क्या है इसका? विंड रेंज है। किसका? साइक्लोन का, ठीक है। अब अगर हम हरिकेन देखें, हरिकेन की बात करें, तो इसका कितना है? लगभग इसका है 74 mph, ठीक है। कितना है? 74 mph, ठीक है। और अगर हम टाइफून का देखें तो टाइफून का कितना है? 73 to 91 mph, ठीक है, माइल्स पर, ठीक है। तो इन तीनों में, तीनों है तो एक ही चीज, लेकिन डिफरेंस कितना है कि ये किस जगह पर आ रहा है ना, ये जो हवाएं हैं, ये जो ट्रॉपिकल विंड्स है, किस जगह पर आ रही है और कितनी तेजी से आ रही है, इनकी विंड रेंज कितनी है, कितनी स्पीड से ये आ रही है, ठीक है। तो इसका देखो रिजल्ट क्या है किड्स, इन विंड्स की वजह से क्या होता है देखो, दिस विंड कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इन विंड्स की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी को क्या है? बहुत ही नुकसान है। इतनी तेजी से हवाएं चलती हैं कि इससे जीवन को और संपत्ति को क्या है? नुकसान है, ठीक है। तो आई होप आपको साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून ये तीनों समझ में आए होंगे, ठीक है। तीनों एक ही चीज है किड्स, बस डिफरेंस कितना है कि ये किस जगह पर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो अलग अलग जगहों पर इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग इसको क्या बोल रहे हैं? साइक्लोन बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरी जगह पर हम देखिए कुछ लोग इसको हरिकेन बोलते हैं, कुछ लोग इसे टाइफून बोल देते हैं, और भी इनके नाम है टोर्नेडो, है ना, कुछ लोग इसको टोर्नेडो भी बोलते हैं, ठीक है एक ही चीज़।
ठीक है। इसके बाद इसके लिए देखो प्रिकॉशनरी हमें क्या देखनी है, हमें क्या सावधानियां लेनी है। एक्यूरेट वेदर फॉरकास्ट शुड बी मेड यूजिंग सैटेलाइट, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आवरली हम उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे सावधानी के लिए हम एक पहले से ही मौसम का भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं किसके थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, और उसे हम ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं रेडियो टेलीविज़न पर, है ना, ताकि लोगों को हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, इससे बचा सकें। उसके साथ साथ ही प्रॉपर अनाउंसमेंट अबाउट द एक्सपेक्टेड साइक्लोन शुड बी मेड बाई पुलिस एंड कोस्ट गार्ड, ठीक है, टू पीपल इन द एरिया, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, पुलिस के द्वारा और जो कोस्ट गार्ड मतलब तट रक्षक, ठीक है, जो समुद्र के रक्षक हैं, किनारों पे जो रक्षक रहते हैं, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चक्रवात के या साइक्लोन के बारे में पहले से ही हम प्रॉपर अनाउंसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक उचित उद्घोषणा हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है पीपल लिविंग इन डेंजर जोन शुड बी सेफ टू प्लेसेस इन टाइम, जो लोग डेंजर जोन में रह रहे हैं जहाँ पर ऐसी संभावनाएं ज़्यादा हैं, उन लोगों को हम सेफ जगह पर, सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चिल्ड्रन, हम जो हाउसेस बना रहे हैं, हमारे जो घर हैं, वो भी कैसे होने चाहिए, एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। हमें अपने हाउस को कैसे कंस्ट्रक्ट करवाना है, एकदम स्ट्रांग मजबूत बनाने, ठीक है, ताकि वो जो हवाएं हैं उन वो जो हमारे घरों की दीवारें हैं, वॉल्स हैं, वो उन हवाओं को झेल सके, ठीक है, अपनी जगह पर पोजिशन पर बना रह सके। तो हमें ये भी साथ ही साथ हमें स्ट्रांग हाउसेस बनाने हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर कॉन्टीजेंसी सिस्टम इन केस ऑफ इमरजेंसी शुड बी इंस्टॉल, अगर कोई आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी है, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में हम आकस्मिक प्रणाली हम बना सकते हैं, ठीक है। अचानक से हमको अगर कुछ लगता है कि हाँ चलो ये चीज़ सही है, अभी ऐसा करना ज़्यादा बेटर है, तो हम उस चीज़ को भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अभी हमें क्या स्टेप लेना है, ठीक है। तो किड्स, ये कुछ आपके साइक्लोन टाइफून इनसे बचने के क्या थे, प्रिकॉशनरी थे, ठीक है। अभी हम फ्लड्स और साथ ही साथ ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको देखो किड्स देखना है, थोड़ा सा लॉन्ग क्लास हो गई है आपकी, लेकिन आप समझोगे, बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो किड्स, फ्लड्स को हम हिंदी में कहते हैं बाढ़, ठीक है, और ड्रग को हम कहते हैं सूखा। ड्रग को हम क्या कहते हैं किड्स, सूखा, ठीक है, और फ्लड्स को हम क्या कहते हैं, बाढ़, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्लड्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लड्स क्या है, देखो किड्स, फ्लड्स आर कॉज्ड बाय एबनॉर्मली हाई रेनफॉल, ठीक है, इसके अलावा रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ओके, लैंडस्लाइड, सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स, ठीक है, एटसेट्रा कॉसेस फ्लड्स, ठीक है। तो फ्लड्स के, बाढ़ के आने का मेन कारण क्या है, सबसे पहला मेन कारण क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश का होना, ठीक है, मूसलाधार बारिश, कंटिन्यू बारिश हो रही है, इसकी वजह से क्या आते हैं आपके फ्लड्स, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या है, जो ग्लेशियर्स हैं, है ना, जो ग्लेशियर्स हैं उनका मेल्ट होना, पिघलना, है ना। अब ग्लेशियर्स क्या है, ग्लेशियर्स क्या है, आइस है, ठीक है, आइस मतलब जो कई सालों से जो बर्फ जमी है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर। तो ग्लेशियर के अचानक से पिघलने की वजह से या ज़्यादा पिघलने की वजह से आपके क्या आते हैं, फ्लड्स। तीसरा आपका क्या है, फ्लड्स क्यों आते हैं, जब अचानक से क्या हो रही है आपके लैंडस्लाइड हो रही है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनका पानी अचानक से फट जाता है ना, तो उसकी वजह से भी क्या आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है। जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, जिसकी वजह से क्या आ जाते हैं, फ्लड्स, जैसे कि आपने सुना होगा केदारनाथ में एक बार आया था, है ना, तो उसकी वजह से क्या आया था, आपका फ्लड्स आया था, ठीक है। उसके साथ साथ ही जब अचानक से हम सडन रिलीज कर देते हैं वाटर को, कहाँ से, डैम से, ठीक है, जो हम डैम बनाते हैं, रिजर्वोरिया बनाते हैं ना, डैम आपको पता है क्या होता है, देखो डैम मीन्स जब हम पानी को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और उस पानी को हम उन जगहों तक पहुँचाते हैं जहाँ पर क्या है, पानी की कमी है, ठीक है। तो
पानी को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है डैम बना करके, ठीक है, बांध बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जब डैम अचानक से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं या उनसे पानी अचानक से रिलीज कर दिया जाता है, तब भी आपके क्या आते हैं किड्स, फ्लड्स आते हैं, ठीक है। सो किड्स, ड्यूरिंग द रेनी सीजन द वाटर लेवल राइजेस। आपको सिंपल सी बात है, जब रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम है, तब जो वाटर लेवल है, पानी का जो स्तर है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या आ सकते हैं, आपके फ्लड्स आ सकते हैं। सो किड्स, इस सिचुएशन में जो रिवर वाटर है वो क्या होने लगता है, ओवरफ्लो होने लगता है, ठीक है। नदियों का जो पानी है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, और कहाँ चला जाता है, एंटर इनटू लो लाइंग एरियाज, ठीक है, मतलब जो निचली जो जगह है वहाँ पर ये भर जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या आते हैं आपके फ्लड्स, ठीक है। तो किड्स, अगर हम देखें तो फ्लड्स की वजह से बहुत ही, अगर पूरे दुनिया में देखें, वर्ल्ड वाइड में देखें, तो पूरी दुनिया में फ्लड्स की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। तो ये सिंपल है, फ्लड्स का, फ्लड्स क्यों आते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिख देती हूँ, हाई रेनफॉल, ठीक है, फ्लड्स के आने का रीज़न क्या है, हाई रेनफॉल, इसके साथ साथ ही मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से, ठीक है, लैंडस्लाइड की वजह से, लैंडस्लाइड में आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे केदारनाथ में आया था आपका, आई थिंक 2012 में आया था, है ना, तो वो क्या हुआ था, लैंडस्लाइड हो गई थी अचानक से, है ना, जिसकी वजह से क्या आया था आपका, बहुत बड़ा उनका फ्लड आया था और कई लोग इसमें जाने भी चले गए, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम सडन क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स, ठीक है, जब हम डैम्स से पानी को अचानक से रिलीज कर रहे हैं तब भी आपके क्या आएंगे, फ्लड्स, ओके। तो इसके लिए प्रिकॉशनरी क्या है, देखो हम क्या कर सकते हैं, डैम्स और रिजर्वोरियर शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू रेगुलेट द ओवरफ्लो ऑफ रिवर्स वाटर, ठीक है। तो हम जगह जगह पर नदियों, जब आपको पता है बारिश का मौसम है तो नदियों का पानी सिंपल सी बात है क्या होगा, बढ़ेगा उस सीजन में, तो हमें थोड़ा सा देखना है, हमें डैम्स और रिजर्वोरियर्स को बनाना है, उन जगह देखना है कि जो रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो ना हो पाए, ठीक है। तो ओवरफ्लो ना हो पाए इसके लिए हमें जगह जगह पर रिवर्स में क्या करने हैं, डैम्स और मतलब डैम्स मतलब क्या, बांध और रिजर्वोरियर, जलाशय, जलाशय हमें बनाने हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज कि आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, रिवर्स के चारों तरफ हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ट्रीज को प्लांटेड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने हैं, पेड़ लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि पेड़ आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या कर लगाने हैं, प्लांट लगाने हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक प्रॉपर पब्लिक एड्रेस सिस्टम को हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है, ताकि जहाँ पर फ्लड्स है, जहाँ पर भी बाढ़ आ रही है, कीचड़ हो रहा है, वहाँ के लोगों को हम क्या कर सकें, अलर्ट कर सकें, ठीक है, पहले से हमें ये सिस्टम बनाना है, ठीक है। उसके अलावा हमें प्रॉपर फ्लड कंट्रोल सिस्टम को भी इंस्टॉल करना है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो इमरजेंसी का टाइम है, जिस भी जगह पर इमरजेंसी है हमें वहाँ पर क्या करना है, पहले से ही एक उचित मतलब कह सकते हैं बाढ़ को नियंत्रित करने वाली एक प्रणाली बनानी है, ठीक है, जिससे हम बाढ़ को कंट्रोल कर सकें, फ्लड को हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ड्रफ। आई थिंक आपको फ्लड्स तक समझ में आया होगा, अब हम ड्रफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्रफ मतलब क्या है, सूखा, ठीक है, तो सिंपल आपको समझ में आ रहा है सूखा क्या है, ठीक है। जब इफ़ अ पर्टिकुलर एरिया डजंट रिसीव एनी रेन, या फिर हम बोल सकते हैं नो रेन, ठीक है, तो क्या होगा इसकी वजह से, इट लीड्स टू ड्रफ, क्या होगा आपका, ड्रफ। जब कोई पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, कोई हम कह सकते हैं कोई एक क्षेत्र में जब बहुत लॉन्ग पीरियड से, लंबे समय से क्या नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, या बहुत कम बारिश हो रही है, बहुत कम बारिश कहने का मतलब जितनी नॉर्मल बारिश होनी चाहिए उससे कम बारिश हो रही है, तब आपका क्या हो सकता है, ड्रफ। ड्रफ मीन्स सूखा, ठीक है। तो अगर किड्स हम देखें तो हमारी पूरी अर्थ में,
ठीक है, पूरी अर्थ के बारे में अगर हम देखें तो पूरी अर्थ का 30% एरिया, 30% एरिया पर क्या कहलाता है, टंड्रा, सूखा, ठीक है। इट मीन्स कि वहां पर क्या नहीं है, रेन नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, वहां पर क्या है, पानी की कमी है। ओके किड्स, तो किड्स अगर हम इसका कॉमन रीजन देखें ड्रफ का, सिंपल आप समझ लो, ड्रफ जहां पर डेजर्ट है ना, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान क्या है, कॉमन रीजन है ड्रफ का, तो यहाँ पर क्या होते हैं सबसे ज्यादा आपके क्या आते हैं, ड्रफ आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्रफ का इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, ड्रफ को हम कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पर सूखा हो रहा है। सबसे पहली बात, प्रिवेलेंस ऑफ हॉट ड्राई विंड्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हवाओं का प्रिवेलेंस होना, प्रिवेलेंस मतलब चलना या फिर फैलना या प्रसार होना, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हवाओं का चलना, और दूसरा क्रॉप्स के डिस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब फसलों का खत्म होना, नष्ट होना, किसका प्रभाव है, ड्रफ का, ठीक है। हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ड्रफ है, पहले तो देखकर ही हम पता कर सकते हैं एकदम क्या होगा, वहाँ पर गर्म होगा, है ना, हॉट होगा, एकदम ड्राई क्लाइमेट होगा, एकदम सूखा रहेगा वहाँ पर, है ना, क्रॉप्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, है ना, तो ये किसका, इसका मेन इफेक्ट क्या है, ड्रफ का मेन इफेक्ट क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। ये पूछा भी जाता है कि कौन सी ऐसी नेचुरल क्लाइमेटीज है जिसकी वजह से क्रॉप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो कौन सी है, ड्रफ, ठीक है, इसका क्या है, प्रभाव है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। ओके किड्स, नाउ किड्स, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, फूड और वाटर की कमी की वजह से, शॉर्टेज मतलब कमी की वजह से, पीपल सफर फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी, जो लोग हैं वो भूखमरी से और गरीबी से जूझते हैं, ठीक है, किसमें, आपका ड्रफ में, ठीक है, तो किड्स इसकी वजह से, ड्रफ की वजह से एनिमल्स ऑल्सो डाई, तरह तरह के जो जानवर हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, पानी की कमी है, फूड नहीं मिल पाता है, तो जानवर भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। नाउ किड्स, इसके लिए हम प्रिकॉशनरी क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं, हमको सबसे पहले क्या करना है, प्रॉपर इरीगेशन करना है, ठीक है, कहाँ पर, हमें प्रॉपर इरीगेशन जो फैसिलिटीज़ है शुड बी प्रोवाइडेड इन फार्मिंग एरियाज, ठीक है, हमें हम कह सकते हैं इरीगेशन मतलब क्या, सिंचाई, हमें एक उचित सिंचाई का प्रणाली बनानी है, ठीक है, कहाँ पर, किन लोगों को देना है, हमें फार्मिंग एरियाज़ को, ठीक है, जहाँ पर फार्म, जहाँ पर क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, या फिर जो क्रॉप्स फेलियर हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, फसलों को नुकसान हो रहा है, ठीक है, हमें वहाँ पर क्या करना है, इरीगेशन फैसिलिटी देनी है, ठीक है। इसके साथ साथ ही जो स्कैंटी रेनफॉल वाले जो केस हैं, ठीक है, मतलब ऐसे इलाके या ऐसी एरियाज जहाँ पर बहुत कम बारिश हो रही है, जहाँ पर क्रॉप फेलियर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर हमें क्या करना है, एक प्रॉपर इरीगेशन सिस्टम देना है, ठीक है, पानी का वहाँ पर हमें व्यवस्था करनी है। सेकेंड है, रिजर्वोरियर शुड बी बिल्ट इन अप्रोप्रिएट प्लेसेस, ठीक है, फॉर यूज इन टाइम ऑफ नीड, ठीक है, हमें ऐसे उचित जगहों पर हमें क्या करनी है, रिजर्वोरियर बनाने हैं, जलाशय बनाने हैं, ताकि जब हमें उसकी ज़रूरत हो, ठीक है, जब हमें उस पानी की ज़रूरत हो तब हम उसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो देखो किड्स, मैंने अभी आपको बताया था डैम्स हैं, है ना, रिजर्वोरियर है, इनको क्यों बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि जिन एरिया में पानी की कमी है वहाँ तक पानी को सप्लाई किया जा सके, ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, ड्रफ से बचने के लिए हमें इस सिस्टम को भी डेवलप करना है, ठीक है। साथ ही जो रिजर्व स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन है, ठीक है, जो हमने फूड ग्रेन्स अनाज को हमने जो रिजर्व किया है, सुरक्षित रखा है या संरक्षित रखा है, उनको भी हमने क्या करना है, मेंटेन करना है, किस लिए, टू सप्लीमेंट डिप्लीटिंग सप्लाईज इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर, ठीक है, ताकि हम उन जगहों पर जहाँ पर क्या है, डिप्लीटिंग है, डिप्लीटिंग मतलब कम, एक तरह से हम कह सकते हैं जहाँ पर क्या है, क्रॉप फेलियर्स हैं, जहाँ पर फसल की कमी है, ठीक है, उन एरिया पर हम क्या कर सकते हैं, एक ये जो हमने फूड ग्रेन्स स्टॉक करके रखे हैं हम उनको वहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो देखो क्रॉप, यहाँ पर सूखे का प्रभाव ही क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप, क्रॉप ही नहीं होंगे तो लोग जी नहीं पाएंगे, है ना, फसलों पे तो हम लोग सभी लोग डिपेंड हैं, ठीक है, तो इसके थ्रू क्या तो इसको हमें करने के लिए क्या करना है, लोगों की जान ना जाए,
है ना, सब चीज़ मेंटेन करके करना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमने स्टॉक ग्रेन्स को जो स्टोर करके रखा है, हम उन जगहों पर इसे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो किड्स ये कुछ प्रिकॉशनरी थे किससे, ड्रग से बचने के लिए। ओके सो किड्स, आज मैंने आपको देखो 4 टॉपिक्स पढ़ाए हैं, आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके किड्स, सो किड्स इस वीडियो को आप दोबारा देखो, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन आप समझ समझ के देखोगे तो आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू किड्स।